हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये मैं आज आपको सिखा रही हूँ बनाना नमक पारे। नमक पारे के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो बता रही हूँ। उसमें एक कप मैदा है, एक कप मैदा, पानी गर्म भूनने के लिए 1 टीस्पून ऑयल या टेबल स्पून या टीस्पून ले लें, और ये नमक है, और यह जो काली अजवाइन है, चीनी है 1 टीस्पून, ये भी 1 टीस्पून है, ये भी 1 टीस्पून है, और ये है 1/2 टीस्पून ये एक 1 टीस्पून ज़ीरा है, और ये वो है अजवाइन है 1/2 टीस्पून, नमक है। अब सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं गर्म पानी से इस पानी से गूंथती हूँ, और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट बताती हूँ अभी कैसा बन के होगा। 1 टीस्पून ऑयल मैं इसमें टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ, और ये गूंथ गया है। भूनने के बाद इसको मिक्सअप कर लेना इससे, और इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर हम इसके बनाते हैं। चलिए पानी गल के वाले आ रहे हैं। अब ये आटा हमारा गूंथ गया, अब मैंने इसको खुश्के में रख के इसको बेलना है। यहाँ मैंने डीप फ्रायर जो है वो करने रख दिया है। फ्राई को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया है। इसको बेल लेते हैं, और जैसे ही मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। बड़ी बेल में ये हमने बेल ली है। बेलने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ उसकी, ना ऐसे तरीके से इसको काट लेना है। अब हमने इसको पहले तो मैं ऐसे काटा है, अब इसको ऐसे काट लेंगे। जैसा कटर से काटें तो बड़े आराम से कट जाएगी। तरीके से सारी को हम काट लेते हैं, और साइडों के आप निकाल दीजिएगा, जो शेप सही आपको लगे उस शेप पे रखिएगा। ये देखें, ये इस तरीके से शेप में मैंने काट ली है। काटने के बाद आप इनको उठाएं, और ये डीप फ्रायर में फ्राई करने के लिए इस तरीके से डाल दें। फ्रायर की जो आपने वो रखनी है स्पीड, वो हाई पे रखनी है, और ज़्यादा अगर जैसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं बनाने हैं आपने तो उसको मीडियम पे कर दें। ये बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है हमारे नमक पारे रेडी हो गए। अब इसका पानी ज़रा, इसका ऑयल ज़रा सा निकल जाता है, तो फिर मैं इसे डिश आउट करती हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये ना बनाई है पापड़ी इसी आटे से ना। तो जब मैं ये डिश आउट कर दूँगी तो फिर मैंने पापड़ी इसमें डालूँगी। इसी आटे को अगर आप गोल करके ऐसे बनाएंगे तो ये आपकी पापड़ी बन जाएगी। किनारों से इसको गोल छोटा सा पेड़ा लेके उसे बेल के, और किनारों से उसको बारीक कर दें। ठीक है, हम इसके बाद आपको बताती हूँ ये डिश आउट करके। हाँ जी, हमारी अब रेसिपी तैयार हो गई है। आप देखें, पापड़ी भी जो है बड़ी खस्ता बनी है, कटोरी है, और क्या कहते हैं, ये हमारे नमक पारे भी तैयार हैं। और इंजॉय करें इसको।